नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज की मेरी रीडिंग है व्हाट विल लाइफ बी आफ्टर मैरिज विद देम। तो आप एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ शादी तो करना चाहते हो, लेकिन ये जानना नहीं चाहते कि उनके साथ आपकी लाइफ कैसी जाएगी अगर आप उनके साथ शादी करते हो। तो हमारे पास है 3 ऑप्शंस। ये है ये सिल्वर वाला सांता, ये है रेड सांता और ये है गोल्ड सांता। तो अपने शादी के बारे में सोचिए और उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनसे आप शादी करना चाहते हो, और फिर आप अपना सांता चूज़ कीजिए। ये अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर पर्सन है जिसे आप जानते हो और उसके साथ जाना चाहते हो, उसके लिए भी ये रीडिंग यूज़फुल है। और अगर आपके पास 3 ऑप्शंस है या 2 ऑप्शंस है शादी के लिए, कुछ रिश्ते आए हैं आपके पास और आप जानना चाहते हो कि मैं उसके हाँ बोलूँ या ना बोलूँ, तो आपके पास जितने भी पर्सन्स हो 2 या 3, अब यहाँ पे 3 ही ऑप्शंस हैं, तो 3 में से कोई भी सांता को चूज़ कीजिए उस पर्सन का नाम सोच करके। तो जैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल अगर कोई रमेश है आपका रिश्ता आया हुआ है, तो रमेश सोच करके आपको अगर सिल्वर लगता है तो सिल्वर सांता को उठाइए। अगर आपको कोई और कलर लगता है तो, और अगर आपको 3 लोग अलग लोगों के लिए 3 अलग कलर भी चूज़ कर सकते हो आप। तो अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन है इससे शादी करूँ या उससे, तो ये आपके कन्फ्यूजन का सल्यूशन है। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं सिल्वर सांता से। दोनों को साइड कर देते हैं। तो जिन्होंने भी सिल्वर सांता को चूज़ किया, आपकी शादी ऐसी रहेगी आपके पर्सन के साथ। अरे वाह, बहुत ज़्यादा कार्ड्स है, लेकिन अच्छे कार्ड्स हैं। जैसा कि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और लग रहा है कि आपका जो है, जिन्होंने भी ये सिल्वर सांता को लिया है, इसको जनरलाइज नहीं करूँगी, पर कुछ कुछ लोगों के लिए ये एक लव मैरिज होने वाला है। तो आपका पर्सन आपको आके प्रपोज करने वाला है और फॉर मैरिज प्रपोज करने वाला है, और आप उनसे शादी करने वाले हो। यहाँ पे वर्क बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, तो मे बी आप उनसे अपने वर्क प्लेस पे मिले हो जिनसे आप शादी करने वाले हो। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड भी 2 times आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, इसलिए आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस मैरिड लाइफ में। आप अगर वंडर कर रहे हो, आपको अननोन लग रहा है आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो इस पर्सन को लेकर के, तो इनडिसीजन में से बाहर आ जाइए और खुश हो जाइए, क्योंकि आपके पास है बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स। आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी है, या इस पर्सन के पास दूसरे ऑप्शंस भी है, पर वो आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि आप मैजिशियन हो और उनको लगता है कि आपके पास सब वो कुछ है जो उनको चाहिए एक शादी करने के लिए, जिससे वो शादी करना चाहिए। तो आपके पास वो सब क्वालिटीज़ है और आपका सोल भी आपको बता रहा है ये। तो आपने काफ़ी इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट भी कर रखा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो नेगेटिव होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें ये दुखी हो करके मतलब उस कनेक्शन के बारे में सोच, इन डिसीजन में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये इनके साथ मैरिज करके आपकी लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है, आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में रहने वाला है, अमेजिंग रहने वाला है ये। और अगर आप वो आपको नहीं चूज़ कर पा रहे थे, तो वो इसमें से बाहर आकर आपको मतलब प्रपोज करेंगे अपने मैरिज के लिए। तो वो आपको फ़िलहाल अभी मिस कर रहे हैं और आप अपने आप को एंजॉय कर रहे हो
आप पार्टी मोड में हो, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा मतलब वो फील कर रहे हो कि यस मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ब्यूटीफुल फील कर रहे हो आप। जैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है दिस पर्सन जो है आपके लिए प्रोवाइड करना चाहते हैं, पर आपकी जो ये फेस है वो ट्रांसफॉर्मेशन फेस है। तो अगर आप अपने पर्सन के बारे में अगर इनको वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे, वो आपको बताएंगे, वो फॉरवर्ड मोशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास दो फॉरवर्ड मोशन के कार्ड्स है यहाँ पर, हमारे पास नाइट ऑफ कप्स भी है, हमारे पास ये भी है, एट ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो मतलब ज़रूर कम्युनिकेट होगा। आप जो है आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन अभी आपसे दूर जा चुका है, जिन्होंने भी ये पाइल पिक किया है, ऐसा उनके लिए अप्लीकेबल है, कुछ लोगों के लिए ऐसा मैं 70-80% बोल सकती हूँ कि जो इस फाइल को चूज़ करेंगे वो उनको लग रहा होगा फ़िलहाल उनका कनेक्शन ख़त्म है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके कनेक्शन में मैरिज है, स्टेबिलिटी है, तो पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो यही था उनके लिए जिन्होंने भी ये सिल्वर सैंटा को चूज़ किया था। तो आपने अगर ये चॉइस को चूज़ किया है तो आप उनसे शादी ज़रूर करोगे, क्योंकि आपके पास मैरिज कार्ड है और आप अपने लाइफ में कंट्रोल में रहोगे। आप वो मैरिज के बाद वो लाइफ आपके कंट्रोल में रहेगी, जैसा आप चाहते हो वैसा होगा। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं दोस्तों यहाँ पर जिन्होंने भी सिल्वर को चूज़ किया है। फिर ये है रेड सैंटा, तो जिन्होंने भी इस रेड सैंटा को टिक किया है, ये आपके पास है 10 ऑफ वॉन्स, द एम्परर, स्ट्रेंथ, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कप्स। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। हाँ, तो जिन्होंने भी इस पाइल को चूज किया है, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्डन देख रहे हैं। तो शायद आपके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप अभी शादी कर लो, क्योंकि ऐसा मुझे फील हो रहा है। और आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है कम्युनिकेट करने के लिए कि मुझे ये शादी नहीं करनी। और क्यों दो बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है यहाँ पर, तो आपको वो बताने में नहीं आ रहा है कि मुझे मतलब इस पर्सन से शादी नहीं करनी है, मतलब मुझे किसी और से शादी नहीं करनी है फॉर एग्जांपल। और ये आप अपने मतलब पास्ट को पकड़ के बैठे हो यहाँ पर, जो भी ये पाइल को चूज़ करेंगे मोस्टली, ठीक है मोस्टली। अगर आप जनरली इंक्वायर कर रहे हो तो आप इस शादी जो मतलब जनरली कर रहे हैं उनको पहले कुछ बता देते हैं, क्योंकि ये लंबी स्टोरी जाने वाली है। तो आप बहुत खुश रहने वाले हो, आपके हाथ में मैरिज के बाद पैसे रहने वाले हैं, आप एम्प्रेस की तरह फील करने वाले हो, आपके फैमिली में आप लविंग सैक्रिफाइसिंग फील करने वाले हो, आप मतलब आप काफ़ी मदर लाइक नर्चरिंग फील करने वाले हो। आपके पास 10 ऑफ कप्स है, तो आप बहुत अच्छी हैप्पी फैमिली रहने वाले हो विथ किड्स एंड एवरीथिंग, ऑल द ड्रीम्स कमिंग ट्रू। और यहाँ पे है ये 2 ऑफ कप्स, तो आपको मतलब अगर आप वो पर्सन को पहले से ही नहीं जानते हो और आप किसी और से शादी करने वाले हो तो आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हो और लव होने वाला है आपको उस इंसान के साथ, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, जो ये पाइल को चूज़ करेंगे वो कुछ लोग
उनको आप बर्डन, वो आपके जो पर्सन है, अगर आप स्पेसिफिक पर्सन के लिए इंक्वायर कर रहे हो, तो वो काफ़ी हैवी हो गया मेरा हेड, इससे काफ़ी बर्डन फील कर रहे हैं आप। ट्विन फ्लेम्स हो, क्योंकि आपके पास ये टू स्टैग्स है यहाँ पर। बेसिकली ये डियर्स है, वो बड़े हॉर्न्स के साथ जो क्रिसमस में दिखाई देते हैं, मेल डियर्स तो उसको स्टैग बोलते हैं, तो वो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। और दो और आपको लग रहा है कि आपका मतलब जो है पर्सन बहुत रिजिड है, स्टपन है। आपका पर्सन जो है वो मतलब अपने ही हिसाब से चलता है, और आप पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप उससे शादी करो, आप शादी कर लो, और आपको शादी करनी नहीं है। और आपका पर्सन जो है वो भी, उसको भी कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है यहाँ पर इस सिचुएशन में कि वो आपको चूज कर सके। पर स्ट्रेंथ आएगी, ये अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन ख़त्म हो चुका है, तो ऐसा नहीं है। सिचुएशन आपकी लाइफ का चेंज हो रहा है, आपने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रखा हुआ है इस पर्सन के साथ। वो पर्सन आपके पास फुल स्पीड में कम्युनिकेट करने आने वाले हैं। ये एक ट्विन फ्लेम स्टोरी है यहाँ पर, इसलिए मैंने जो जनरल थे उनका पहले कंप्लीट किया। बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा ज़्यादा एन्जाइटी है आपके मन में कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्रेशर कर रहे हैं शादी करने के लिए, और मुझे इसी पर्सन से करना है, मैं क्या करूँ, और बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लग रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा दुख और प्रेशर फील हो रहा है मुझे, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। आपको बिल्कुल भी किसी और पर्सन के साथ वॉक अवे नहीं करना है, बट यू आर बीइंग फोर्स टू, क्योंकि आपको फोर्स किया जा रहा है वॉक अवे करने के लिए इस पर्सन से, और किसी और से शादी करने के लिए, जिन्होंने भी ये रेड सेंटा को चूज़ किया है उसके लिए। ठीक है, आपको पेशेंस रखने होंगे, और आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ करेज करके आपको मतलब अगर आप वेट करना चाहते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस लगने वाले हैं, जैसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अगर आप जो है अगर आपको ये क्या कहते हैं वॉक अवे करना चाहते हो आप, तो फिलहाल के लिए कर लीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके पास जल्दी आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो पर्सन अपना टाइम, अपना स्वीट टाइम स्पेंड करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने वाले हैं, और आपको और प्रॉब्लम्स में डालने वाले हैं, क्योंकि आपके पास, आपकी फैमिली के पास मनी हो सकता है, फाइनेंशियल अबंडेंस हो सकता है, जो उस पर्सन के पास नहीं है, और आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और ये क्योंकि एक ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो मैं आपको जैसे बता रही हूँ, तो ये जो लव है वो होगा, ये जो 10 of Cups आप अचीव करना चाहते हो वो होगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई इमीडिएट स्टेप लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हो, क्योंकि ये आपको यहाँ पे ट्रिगर वार्निंग, ये बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रिगर कर सकता है कि इस यूनियन और ये ट्विन फ्लेम का होने में 2 साल लग सकते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, और आप बहुत ज़्यादा मेरे को बोलने से मना किया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें आपको बोलने से रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मेरा गला पकड़ रहा है। तो बस इतना ही है, जिन्होंने भी रेड चूज किया है उनके लिए मैंने आपको टाइम पीरियड तो बता दिया, पर आपको टाइम पीरियड नहीं बताना था शायद, लेकिन जो भी है आप अपना डिसीजन खुद लीजिए। इसको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, जिन्होंने भी रेड को चूज किया। चलिए
गोल्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिन्होंने भी गोल्ड चूज किया देखते हैं उनकी रीडिंग में क्या है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, द हाई प्रीस्टेस, द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन एट ऑफ कप्स, द हर्मिट, हायरोफेंट, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वंड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो हाई प्रीस्टेस। अच्छा, तो पहले जिन्होंने भी जनरली इसको चूज़ किया है और उनको कोई पर्सन उनके दिमाग में नहीं है और बस किससे शादी करूँ उसके लिए इन्होंने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो जिन्होंने भी ये गोल्ड सांता को जनरल बताती हूँ क्लिक किया है और जानना चाहते हैं, तो आपका इस पर्सन के साथ मैरिज कैसा रहने वाला है। इस हर्मिट, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, जिसके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा वाइस है पर्सन जिनके बारे में आप इंक्वायर करना चाहते हो, डिफेंसिव पर्सन है, अपने आप को हर बात पे प्रोटेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन है मुझे ऐसा लग रहा है इसके वजह से। ये बहुत ज़्यादा मतलब बैटल और इन सब में बिलीव करते, तो आर्ग्यूमेंट्स का स्कोप है यहाँ पर, ये अपनी बात पे अड़े रहने वाले हैं बेसिकली। और क्या बता सकती हूँ जनरल के बारे में, इस पर्सन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है आपके अलावा। ये आप किंग और कप्स और क्वीन ऑफ कप्स आ रहा है जनरल में भी, उसको मैं लूंगी, किंग ऑफ कप्स दो बार आ रहा है, तो ये पर्सन जो है जब कोई आर्ग्यूमेंट या कुछ हो जाएगा तो ये पर्सन मतलब ऐसे ही बैठे रहने वाले और कोई एक्शन नहीं लेने वाले, बेसिकली ऑब्सेसिव पोजेसिव रहने वाले आपके लिए। ये है आफ्टर मैरिज की आपकी स्टोरी, जिन्होंने भी इस गोल्ड सांता को चूज़ किया है। अभी बढ़ते हैं वो डिटेल्ड स्टोरी के बारे में, तो दोस्तों बढ़ते हैं द पिक स्टोरी की तरफ। तो पिक स्टोरी में है कि आप बहुत ज़्यादा उसका अटेंशन क्रेव करते हो, इसके वजह से वो आप उनको उतने से दूर भगाते हो। वो पर्सन काफ़ी इंट्रोवर्टेड है, शाई है, काफ़ी और ज़्यादा ऑप्शंस हैं उनके पास, वो काफ़ी जो है इमेच्योर पर्सन है, क्योंकि ये पेज और सॉर्ट्स टू टाइम्स आया है, और ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं। अगर आपने इसको चूज़ किया है वो आपके साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने वाले हैं, बट स्टिल आप बहुत दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और बहुत ज़्यादा लव करने वाले हो। आप भी हाई प्रीस्टेस हो और ये पर्सन भी, तो आप काफ़ी एक दूसरे को मतलब एक अपना आंसर्स अपने अंदर से ढूंढने वाले हो। ये पर्सन काफ़ी डिफेंसिव रहने वाले हैं, पर आपको पॉजिटिव होप रखना है, क्योंकि आपका मैरिज इज गोइंग टू बी 50-50। ये काफ़ी स्टबर्न पर्सन है, कभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब मिलेगा, कभी आपको बहुत ज़्यादा अलग ही रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ये पर्सन जो है काफ़ी पोजेसिव और ऑब्सेसिव भी रहने वाले हैं आपके साथ। अगर शादी के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा कभी कभी इंट्रोवर्ट भी होने वाले हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा टीचिंग भी आपको सिखाने भी वाले हैं, और आप भी क्योंकि टीचर का कार्ड है तो आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब सिखाने वाला सिचुएशन आने वाला है। आप शायद आप दोनों टीचिंग के करियर में भी हो सकते हो, तो आपको पॉजिटिव रहना है अगर आप इस पर्सन को के साथ शादी करने वाले हो, तो यही रहेगी आपकी लाइफ उनके साथ शादी करने के बाद। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और कुछ मैच किया, अगर किया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी जानने में। और आई होप कि जिन्होंने भी ये रीडिंग लिया उनको हेल्प मिला होगा जानने में कि वो किससे चूज़ करे अपने मैरिज के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली रीडिंग में।